साहिल के पास अब ऐसी पावर आ गई थी कि वो अपनी फिजिकल और मेंटल शक्तियों को बढ़ाकर इस्तेमाल करने के लिए अपनी बॉडी के मोड्स चेंज कर सकता था। मानव मोड में उसका दिमाग सुपर फास्ट चलता था और नाग मानव मोड में उसका शरीर 4 गुना बड़ा व शक्तिशाली हो जाता था। इस अद्भुत पावर की वजह से साहिल अब शक्तिशाली तो था, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि अपने मोड्स को बदलने की शक्ति उसके हाथ में नहीं थी। उसकी शक्ति को तो समीक्षा कंट्रोल कर रही थी और समीक्षा अपनी मर्जी से साहिल के मोड्स चेंज करती थी। ये बात साहिल को बहुत चुभ रही थी और वो इस सिचुएशन को जल्द से जल्द बदलना चाहता था, पर क्योंकि समीक्षा बुरी लड़की नहीं थी और इस वक्त गेम में जीत हासिल करना उसका मेन गोल था, इसलिए केवल गेम की जीत पर फोकस रखते हुए साहिल ने फैसला किया कि वो अभी समीक्षा से पंगा नहीं लेगा। फिलहाल वो सिर्फ गुलाबी महल को ढूंढने पर फोकस करेगा, ताकि गुलाबी महल से क्रिप्शन डायमंड हासिल करके वो गेम के स्टेज को पार कर सके। उसके बाद वो समीक्षा से कहेगा कि वो मोड चेंज करने वाला डिवाइस उसे सौंप दे। उसे उम्मीद थी कि गेम जीतने के बाद समीक्षा उसे डिवाइस वापस कर देगी, जबकि समीक्षा की मंशा ही कुछ अलग थी। वो ये सोच रही थी कि साहिल सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर बन गया था, अगर वो यूं ही साहिल को अपने डिवाइस से कंट्रोल करेगी तो वो इस तरह साहिल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर समर और जयंत अपना असली मकसद भूलकर पूरे जुजू आइलैंड पर मस्ती करते हुए घूम रहे थे। वो दोनों इतनी देर से मजे मजे में वेंडिंग मशीन से चुरा चुरा कर कभी कुछ तो कभी कुछ खाना खाए जा रहे थे। दरअसल साहिल की अद्भुत शक्तियों को देखकर ये दोनों इतने रिलैक्स्ड हो गए थे कि उन्हें लगा चाहे जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन सामने आए, लास्ट में उनका दोस्त साहिल सब संभाल ही लेगा, तो क्यों ना मजे ही कर लिए जाएं। पर वो इस बात से अनजान थे कि वहां कोई था जो लगातार उन पर नजर रखे हुए था। तभी उनके सामने चॉकलेट केक की एक वेंडिंग मशीन आई। मशीन देखते ही जयंत और समर के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और केक पर टूट पड़े। दोनों ने बैठकर खूब सारा केक खा लिया, लेकिन केक खाकर उनके पेट में दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज हो रहा था कि दोनों पेट पकड़कर सड़क पर ही लेट गए और देखते ही देखते वो दर्द से बेहोश हो गए। फिर एक वर्चुअल बिल्डिंग के पीछे से जुजू आइलैंड के 4 रोबोट सोल्जर सामने आए। उन्होंने अपने हाथ से हाथ जोड़े और देखते ही देखते चारों रोबोट्स ने कंबाइन होकर एक वैन की शेप ले ली। वो रोबोट्स जयंत और समर को वैन में उठाकर ले गए। साहिल जानता था कि उनके चारों तरफ जो इमारतें थी वो सब वर्चुअल थी, उन्हें किसी होलोग्राम से कंट्रोल किया जा रहा था। मगर एक बात पक्की थी कि इन बिल्डिंग्स के बीच कोई तो बिल्डिंग ऐसी होगी जो रियल होगी और जहां से उनकी मंजिल का रास्ता मिलेगा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। साहिल ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने समीक्षा से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहां जरूर कोई खतरा है। समीक्षा ने जवाब दिया, साहिल ये पूरा गेम ही गड़बड़ है, तुम इतनी टेंशन मत लो, बस गुलाबी महल ढूंढने पर फोकस करो, खतरा आएगा तो उससे निपट लिया जाएगा, डरते क्यों हो, तुम अब नाग मानव हो। साहिल ने तपाक से जवाब दिया, मैं डर नहीं रहा, अलर्ट हो रहा हूं। तभी साहिल के दिमाग में वर्चुअल और रियल बिल्डिंग में अंतर करने के लिए एक तरकीब सूझी। उसने सड़क किनारे से एक पत्थर उठाया और बिल्डिंग पर फोकस करने लगा। समीक्षा देख रही थी कि आखिर वो कर क्या रहा था। समीक्षा बोली, अब अपना गुस्सा पत्थर फेंक कर निकालोगे, पागल हो गए हो क्या। लेकिन साहिल ने उसकी बात को नजरअंदाज करके वो पत्थर एक बिल्डिंग के कांच पर फेंक कर मारा। पत्थर कांच के आर पार हो गया। समीक्षा समझ गई कि साहिल का क्या प्लान था। अब साहिल ने सभी बिल्डिंग्स के कांच पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। प्लान के मुताबिक पत्थर वर्चुअल बिल्डिंग्स के आर पार हो जाएगा, लेकिन रियल बिल्डिंग का कांच टूट जाएगा। एक के बाद एक बिल्डिंग पर वो पत्थर मारता जा रहा था और सड़क पर निशान भी बना रहा था, ताकि पता रहे कितनी वर्चुअल बिल्डिंग्स को पार कर दिया और दोबारा उस तरफ ना आए। समीक्षा भी साहिल का साथ दे रही थी पत्थर मारने में। 1 घंटा गुजर गया। बार बार वो दोनों किसी इमारत पर पत्थर मारते, लेकिन हर बिल्डिंग में से पत्थर आर पार हो रहा था।
मतलब था कि वो सब वर्चुअल बिल्डिंग्स थी। आखिरकार थक हार कर समीक्षा ने कहा, साहिल अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची, अब और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये सभी बिल्डिंग्स वर्चुअल है, मेरे ख्याल से अब हमें क्विट कर देना चाहिए। साहिल ने गुस्से में कहा, क्विट का मतलब भी समझती हो तुम? क्विट किया तो मतलब मौत मिलेगी, तो कब तक ऐसे घूमते रहेंगे? एक कदम और चली तो थकान से मेरी मौत वैसे भी हो जाएगी, मुझे नहीं ढूंढना अब कुछ, समीक्षा ने चिढ़ते हुए कहा और गुस्से में अपने हाथ में लगे पत्थर को फेंक कर मारा। लेकिन वो पत्थर जैसे ही एक बिल्डिंग के शीशे पर जाकर लगा, उसका कांच चकनाचूर हो गया और कांच के टूटते ही उनके सामने गुलाबी रंग का एक शानदार महल खड़ा था। साहिल ने खुशी से उछलते हुए कहा, वो देखो गुलाबी महल। मगर समीक्षा अब भी शक करते हुए बोली, लेकिन क्या ये महल असली है? साहिल ने गुलाबी महल की दीवार पर पत्थर मारा तो समझ आ गया कि वो नकली नहीं था। अब महल मिल चुका था और उन्हें महल के अंदर जाकर क्रिप्शन डायमंड ढूंढना था। इसलिए साहिल ने सुझाव दिया, समर और जयंत को बुला लेते हैं, पता नहीं वो बेचारे कहां भटक रहे होंगे। समीक्षा ने तुरंत अपने डिवाइस से समर और जयंत को सिग्नल भेजा ताकि वो लोग इनकी लोकेशन पर आ जाएं। मगर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। समीक्षा बोली, यार वो लोग सिग्नल का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। साहिल ने फिकर करते हुए कहा, कहीं उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्या मैं जाकर देख कर आऊं? इस बात पर समीक्षा ने कहा, देखो साहिल उनकी फिक्र करना जायज है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें ये गुलाबी महल मिला है, कहीं ये दोबारा खो गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। साहिल ने कहा, लेकिन फिर भी समीक्षा वो हमारे दोस्त हैं। समीक्षा ने समझाते हुए बहुत दुख भरे अंदाज में कहा, हाँ वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो सिग्नल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है हमने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया है, अब उन्हें ढूंढने के चक्कर में ये महल खो गया तो हम अपना गेम भी खो बैठेंगे। साहिल तुरंत बोल पड़ा, और गेम को खोने का मतलब है जान खो देना। साहिल को समीक्षा की बात समझ आ गई थी, उसने इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ही बेहतर समझा। इसलिए उसने समीक्षा से कहा, तुम ठीक कहती हो, शायद हमने समर और जयंत को खो दिया है, इसलिए टीम में बचे हैं केवल तुम और मैं। अब अगर हम दोनों एक साथ महल के अंदर गए और दोनों किसी जाल में फंस गए तो वहीं गेम ओवर हो जाएगा। समीक्षा ने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो साहिल? वो बोला, जीत के लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक साथ अंदर ना जाएं, पहले हम में से कोई एक अंदर जाए और दूसरा निगरानी रखे। समीक्षा को ये प्लान ठीक लगा। फिर उसने साहिल को अपना एक पोर्टेबल डिवाइस दिखाया और उसे पूरा टेक्निकल प्लान समझा दिया। प्लान के मुताबिक अगले ही पल समीक्षा महल के अंदर घुस गई और साहिल महल के बाहर ही खड़ा रहा। वो महल के बाहर चौकन्ना खड़ा होकर चारों तरफ पूरी निगरानी रखे हुए था और साथ ही साथ वो समीक्षा पर भी नजर रखे हुए था। दरअसल साहिल की स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर समीक्षा ने अपनी आंखों के रेटिना का एक मिरर स्क्रीन कास्ट कर दिया था। अब समीक्षा की आंखें जो भी देख रही थी वो साहिल सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख सकता था, और यदि कोई खतरा भी दिखेगा तो वो समीक्षा को बचाने के लिए अंदर जा सकता था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मेन गेट से घुसकर समीक्षा लॉबी में आ गई, फिर गैलरी से होते हुए समीक्षा रॉयल हॉल में पहुंची। उसके सामने एक बड़ा सा हॉल था जहां बहुत सारे रॉयल ऑर्नामेंट सजे हुए थे। समीक्षा को लगा कि वो क्रिप्शन डायमंड भी वहीं कहीं होगा रॉयल ऑर्नामेंट्स के बीच। वो ऑर्नामेंट्स वाले बॉक्स की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। समीक्षा अलर्ट हो गई। साहिल ने अपनी डिवाइस पर देख लिया कि किस तरह खतरा भांप कर समीक्षा एक पिलर के पीछे छिप गई थी। साहिल का पूरा फोकस अब समीक्षा पर था क्योंकि खतरा अब नजदीक था। समीक्षा ने पिलर के पीछे से झांक कर देखा तो पता चला कि रोबोट सैनिकों ने समर और जयंत को बंधक बनाया हुआ था। समीक्षा और साहिल को ये देखकर थोड़ा बेहतर लगा क्योंकि बेशक उनके दोस्त फिलहाल बंधक बने हुए थे, लेकिन फिर भी कम से कम वो दोनों जिंदा तो थे। इसी बीच समीक्षा ने इतने सारे रॉयल ऑर्नामेंट्स के बीच अपने टारगेट यानी क्रिप्शन डायमंड को आइडेंटिफाई कर लिया। उसने साहिल को मैसेज भेजा, क्रिप्शन मिल गया। साहिल भी ये सब अपनी वॉच पर देख रहा था, इसलिए उसे पूरी लोकेशन का पूरा अंदाजा हो गया था। अब उसे इंतजार था समीक्षा के ग्रीन सिग्नल का। सिग्नल पाते ही वो अंदर जाएगा
और अपनी शक्ति से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन तभी अचानक से कुछ रोबोट सैनिकों ने छिपकर साहिल पर जाल फेंका और उसे बंदी बना लिया। उधर समीक्षा साहिल को बार बार ग्रीन सिग्नल भेज रही थी ताकि वो महल के अंदर आ जाए, लेकिन साहिल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। समीक्षा के सिग्नल के बाद भी जब काफी देर तक साहिल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो समीक्षा को फिक्र हुई, लेकिन अब वो महल के बाहर साहिल को देखने नहीं जा सकती थी। इधर रोबोट सेना के एक अधिकारी ने समर और जयंत को एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर खड़ा करवा दिया था और उन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी शुरू कर दी। समीक्षा छिपकर ये सब होता देख रही थी, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी रोबोट सैनिक बाहर से पकड़कर साहिल को भी अंदर ले आए। समीक्षा को लगा कि अब गेम एंड हो सकता था, इसलिए उसने सबकी जान बचाने के लिए फटाफट से साहिल के मोड को नाग मानव वाले शक्तिशाली मोड पर डाल दिया। पर ये क्या, साहिल का मोड बदल ही नहीं रहा था। समीक्षा हैरान हो गई कि आखिर साहिल में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा था। उधर रोबोट सैनिकों की गिरफ्त में फंसे हुए साहिल को जब अपने फ्रेंड्स जयंत और समर के बराबर में खड़ा किया तो उसने कहा, थैंक गॉड तुम लोग जिंदा हो। इस बात पर जयंत ने साहिल की शक्ल देखते हुए कहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। इन रोबोट्स ने पूरा प्लान कर लिया है हमें निपटाने का। समर बोला, साहिल हमें तो उम्मीद थी कि तुम नाग मानव बनकर हमें बचा लोगे, मगर तुम तो खुद ही गिरफ्तार हो गए। साहिल को लगने लगा कि जीती हुई बाजी अब हाथ से जाने लगी थी। इसी बीच समीक्षा लगातार साहिल का मोड चेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब नाकाम हो रहा था। वो धीरे धीरे रोबोट से बचते हुए इनके नजदीक भी आ रही थी ताकि सिग्नल कैच कर ले। साहिल अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए ये अच्छे से देख और समझ पा रहा था कि समीक्षा उसका मोड चेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका मोड नाग मानव मोड पर क्यों नहीं आ रहा था। अगर एक बार उसमें फिर से पहली जैसी नाग मानव वाली ताकत आ जाए तो वो सारे रोबोट्स को चुटकी में मसल सकता था, लेकिन मोड बदल ही नहीं पा रहा था। क्या दवाई का असर खत्म हो गया था या फिर समीक्षा का बनाया सिस्टम हैक हो गया था। महल के अंदर थ्रिलर बढ़ने लगा था क्योंकि मौत अब सामने खड़ी थी। ऐसी क्या वजह थी कि गुलाबी महल के अंदर साहिल का नाग मोड ऑन नहीं हो पा रहा था? क्या रोबोट्स ने कोई स्पेशल मशीन लगाई हुई थी, या कहीं साहिल की सुपर पावर्स खत्म तो नहीं हो गई थी? अगर साहिल की पावर्स ने काम नहीं किया तो क्या रोबोट्स साहिल और उसकी टीम को मार डालेंगे? कैसे बचाएगा साहिल अपनी टीम की जान और कैसे जीतेगा वो ये गेम? जानने के लिए सुनते रहिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।